वेलकम टू एक्जेम्पलरी मार्केटिंग यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस जिसके वजह से मोबाइल और एंड्रॉयड वर्जन ऑफ एप्लीकेशन की वजह से जो आता है क्यों आई ओ एस प्रेफर किया जाता है चॉइस ऑफ डेवलपर्स द नंबर ऑफ एंड्रॉड एप्स सक्सीड होते हैं बहुत ज़्यादा कंपेरिजन इन आई ओ एस के साथ बट लेकिन बहुत सारे ऐप्स फर्स्ट रिलीज़ किए गए हैं आई ओ एस प्लेटफॉर्म पर फॉर इंस्टेंस दो पॉपुलर फोटो वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग ऐप इंस्टाग्राम जो कि इनिशियली लॉन्च किया गया था आई ओ एस पे और बाद में वो अवेलेबल किया गया था एंड्रॉड पे अठारह महीने बाद तो पहला रीज़न है ऑफकोर्स रिलायबिलिटी और क्रेडिटबिलिटी ऑफ द एप्पल मोर ओवर नंबर ऑफ़ फ्री एप्स डाउनलोड जो कि हायर नहीं है आईओएस के अंदर और ग्रेटली पुश करते हैं गेट स्टडी सोर्स ऑफ इनकम एंड आल्सो एप्पल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि कौन से टाइप ऑफ एप को कब रिलीज़ किया जाना चाहिए ऐप स्टोर पर लेकिन बहुत ज़्यादा वन ऑफ द इंडिकेटिंग रीजनस जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि आई से है इनफैक्ट ये सिंप्लीफाई किया गया टास्क ऑफ आई डेवलपर्स जो कि बहुत ज़्यादा एक एक्सटेंट पर आता है आयर्स यूजर्स अडॉप्ट करने में लेटेस्ट वर्जन और फॉलोइंग यूज़िंग एंड्रॉइड वर्जन द फर्स्ट फैक्ट जो जाता है फेवर ऑफ एंड्रॉइड ये है कि नंबर ऑफ यूजिंग इट एज पर स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा 3.5 पॉइंट मिलियन एप्लीकेशन है एज फॉर ऑडियंसिस जो डोंट माइंड करते हैं वेटिंग करने के लिए नेक्स्ट ऐप रिलीज गूगल से और एंड्रॉइड यूजर्स के पास बहुत ज्यादा वाइडर चॉइस आती है जब आती है चेंजिंग ऐप सेटिंग्स और पैरामीटर्स रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉयड वर्जन ऑफर करता है बेटर एडिशनल नोटिफिकेशन फीचर जो कि बहुत ज़्यादा दा इम्प्रूव्ड यूजर एक्सपीरियंस भी देते हैं एंड्रॉयड ऑल्सो ऑफर करता है बेटर हार्डवेयर चॉइस और उसके डिवाइसेस सूट कर सकते हैं एवरी बजट होल्डर इसलिए कंटिन्यूंग डिस्कशन फर्दर हम बता सकते हैं कि एंड्रॉयड एज वेल एज आईओस वर्जन अपनी इंपॉर्टेंस अलग अलग तरीके से होल्ड करते हैं इसलिए डेवलपर चूज़ कर सकते हैं रिलीज़ को साइमल्टेनियसली ऑन बहुत प्लेटफॉर्म लेकिन जब ये करते हैं कि इसका गार्ड होना चाहिए यूज़र इंटरफ़ेस और यूजर एक्सपीरियंस को जो कि डिफरेंट है दोनों ही के अगर आप चाहिए कि करना platform, आप उसे कर सकते हैं इन तीन तरीकों से hmm. दिमाग में लेते हुए में, platform, हो सकता है टाइम कंज्यूमिंग और रिक्वायर करता है बहुत ज्यादा पैसा भी अगर आप विलिंग कर रहे हैं उसको ट्रांसफर करने में डिजाइन ऑफ एप दोनों यू और यूएक्स के पास दोनों ही कमेंट्स है ये है क्योंकि फॉलो करते हैं दोनों ही नॉर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म रिक्वायरमेंट्स और मेंटेन करते हैं स्टैंडर्ड्स को इसलिए जब आप सोचते हैं कि टाइम आपके लॉन्च करने के एप्लीकेशन दोनों ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म से ये ऐप ऑलरेडी बन सकता है सक्सेसफुल और आप इंक्रीज कर सकते है, है हैं कस्टमर बेस एट क्विक पेस और डिजाइनर्स फॉलो करते हैं सर्टन ओरिएंटेशन जो उनको देखते हैं बहुत ज्यादा आइडियाज़ और यूजर डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन दोनों ही गूगल और एप्पल रिलीज करते हैं लेटेस्ट डिजाइनिंग ट्रेंड्स इसलिए क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं अपने एंड्रॉइड को आई से देर इज़ नॉट वन ऑफ द चॉइस ड्यू टू सुपर वाइज ब्रांडिंग अगर वे ऑफ राउंड फॉलोइंग करते हैं मटेरियल डिज़ाइन गाइडलाइंस जो असेंशियल हो जाता है अदर टाइम्स आप फॉलो कर सकते हैं नॉर्म्स ऑफ एवरी प्लेटफॉर्म डिज़ाइन जो कि ऐप फंक्शनैलिटी और इंटरफेस से जो बिल्कुल सिंपल नहीं है एस्टैबलिश करना ब्रांड वेरासिटी क्रॉस प्लेटफॉर्म जब आप सोचते हैं कि डिज़ाइन दिमाग में रखते के लिए ऑल प्लेटफॉर्म्स जो भी तक इंटीग्रेट किए एलिमेंट्स पे वो इजी हो सकता है और अफोर्डेबल हो सकता है ड्राफ्ट करना है एक डिज़ाइन लेकिन रियल चैलेंज है डिज़ाइन यू से जिसकी वजह से बिल्ट यूवा एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के लिए नहीं बना सकते और यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं वी एस सी ओ जो कि इनिशियली ऐप रिलीज किया गया था आई ओ एस प्लेटफॉर्म पे दो हजार बारह में और एंड्रॉइड पर दो हजार तेरह में ये कॉपी पेस्ट टेक्निक थी एज एज इंटरफेस कन्फर्म किया गया था और मेन फैक्ट यही था कि दोनों ही प्लेटफॉर्म लैक करते थे स्टैंडर्ड्स ऑफ विजुअल डिजाइन वी फॉलो नहीं किया था मेन स्ट्रीम गाइडलाइंस जो कि फोकस किए गए थे क्रिएटिविटी हाउ ये ब्रांड है जो ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिटी है देर ब्रांड इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है और आपको फोकस करना चाहिए ब्रांड इंटीग्रिटी पे और ये जब इंपॉर्टेंट हो सकता है तो सारे के टारगेट ऑडियंस यूज करते हैं डिफरेंट मीडियम्स नेविगेट करने के लिए एप्लीकेशन से फॉर इंस्टेंस ये यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉइड स्मार्टफोन टैबलेट्स आईपैड और ईवर पर्सनल लैपटॉप यहाँ पे वर्जनस ऑफ वेरियस प्लेटफॉर्म डिसम्बल करते हैं सेम क्योंकि स्मूथ ट्रांजेक्शन बिटवीन द प्लेटफॉर्म्स होना चाहिए ऑफन यूजर एक्सपीरियंस कैटराइ किया जाता है फोर डिविजन नेमली वर्बलाइजेशन पॉसिबिलिटी इनर फीलिंग सिंप्लिसिटी और मैजिकल एक्सपीरियंस इसलिए आपको यू आई और यूएक्स अट्रेक्टिव फंडामेंटल होना चाहिए यह इंपॉर्टेंट है फोर कंपोनेंट्स जेल एज वेल एज ईच अदर हाउव ये नेसेसरी है फॉलो करने में सर्टन गाइडलाइन बैलेंस बिटवीन टू मैथड्स ये सम वॉट मिक्सड अप्रोच है हाउ एवर आप इंप्लीमाइट कर सकते हैं दिस टेक्निक अगर आपको कंसिडर करना है टायरेट ऑडियंस जिसके पास सेपरेट दो लेवल्स है फर्स्टली वंस आते हैं जो वेल well एक्वाइंटेड है आपके एप्लीकेशन और प्रोडक्ट के साथ और वो लॉयल कस्टमर्स है इन सेकेंड कैटेगरी आपके पास पीपल होते हैं जो टोटली totally अननोन होते हैं प्रोडक्ट से और वो नॉलेज लेना चाहते हैं आपके प्रोडक्ट फीचर्स और प्लेटफॉर्म की हाई एवर आप देख सकते हैं क्रूशल टैक्टिक और फाइंड कर सकते हैं वेज जो आपके ब्रांड को आइडेंटिटी को इंटैक्ट बना सकता है एक हाथ पे और अदर हैंड कीप ऑन एडिंग न्यू कस्टमर्स ऑन दी बोर्ड इसलिए जॉब ऑफ डिजाइनर्स यही होता है कि फाइंड आउट करना इंटरफेस एलिमेंट्स जो बनाता है आपके प्रोडक्ट को यूनिक और सेव करता है इंटरेस्ट ऑफ द ब्रांड इसलिए मिक्स्ड अप्रोच एविडेंटली देख सकते हैं और डेवलपर्स के पास डेवलप्ड एक सक्सेसफुल पॉपुलर प्रोडक्ट होता है अगर हम परस्पेक्टिव में लें तो एंड्रॉइड और आई प्लेटफॉर्म दोनों ही दिखते हैं आइडेंटिकल और फॉलो करते हैं गाइडलाइंस एज वेल और वो फोकस करते हैं यूजर इंटरेस्ट पर और डिजाइन स्टाइल और अप्रोच सिंपल प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर दी कॉन्टेंट तो कंक्लूजन की बात की जाए जब कंसिडर करते हैं सीनारी और नाउडेज हम देख सकते हैं दोनों ही एंड्रॉड और आई वर्जन ऑफ एप्लीकेशन एट द सेम टाइम और आप फॉलो कर सकते हैं गिवन मेथड्स टू डिजाइन योर एप्लीकेशन ऑन बोथ प्लेटफॉर्म लेकिन मेन फोकस अटेंशन का यही होना चाहिए कि यूजर और स्पेसिफिक उसकी नीड्स क्या और टू ऑनेस्ट honest देखने ऑनेस्टली देखने के लिए यूजर्स को स्पेसिफिक इंटरेस्ट होना चाहिए और मेथड जाननी चाहिए जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं एक यूजर एक्सपीरियंस तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय